after a short break. Friends, hun main tuhadi mulaqat karan ja rahi hain a beautiful, gorgeous and very talented singer naal. Jinna da gaana aajkal har kisi di zuban te hai. Oh baby, doll me sone di. Oh baby, doll me sone di. Yeah, you guessed it right. Main gal kar rahi hain Kanika Kapoor di jinna de naal khaas gal baat kiti sade sahyogi Rohit Khanna ne. एक कुड़ी जो लखनऊ दी है रहती लंदन च है पर गाना पंजाबी गाँदी है ये किवें दा कॉम्बीनेशन है ये अजकल दा कॉम्बीनेशन है तो कुड़ी छाई पई है चारों पासे बेबी डॉल बन के जी हाँ कनिका कपूर सर ने कनिका बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच कनिका आप लखनऊ के रहने वाले हो ना पंजाबी आप ठीक से बोल नहीं पाते हो ना और बेबी डॉल गाना इतना अच्छा आपने पंजाबी में गा दिया ये कैसे Actually, मैं मेरी परवरिश लखनऊ की है तो ऑफकोर्स मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू एंड हिंदी ऑटोमेटिकली एंड पंजाबी मैं जब टीनेजर थी वहाँ लखनऊ में मैंने गाना सीखा पहले तो क्लासिकल ऑलमोस्ट 12 साल मास्टर्स किया अपने मैंने पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी के साथ एंड मेरे गुरु जी जो जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ एंड उसके बाद मैं आई थिंक 16-17 साल की थी तो मैं हम माई फैमिली लंदन में मूव हो गई एक्चुअली लंदन जाके मैंने पंजाबी सीखी बिकॉज आई थिंक वहाँ जो एशियन लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है सारे हमारे पाकिस्तानीज एंड इंडियंस आई मीन काफ़ी डिफरेंट कल्चर्स से सभी लोग पंजाबी बोलते हैं सो वो सुनते सुनते मुझे पंजाबी आ तो गई लेकिन मैं ठीक से बोल नहीं पाती बट गा लेती हूँ पंजाब में जब शाम को कोई पैग लगा ले तो वो इंग्लिश बोलनी शुरू कर देता है और इन्होंने लंदन में जाके पंजाबी सीख ली इससे पता लगता है कि ये ग्लोबल जो वर्ल्ड है कितना छोटा है अच्छा बेबी डॉल यहाँ तक कैसे आपका सफ़र हुआ एकता ने कैसे ढूंढा आपको मैंने डॉक्टर ज़ूस के साथ जो एक गाना किया सबसे पहला मेरा डेब्यू जुगनी जी हमने कावा वर्जन किया था जो काफ़ी रिकग्नाइज हुआ एंड उससे मुझे आई थिंक एकता ने मेरी आवाज़ पसंद करी एंड स्टाइल पसंद किया एंड एंड उन्होंने कहा कि हमें ऐसा एक कुछ फील चाहिए ऐसी आवाज़ चाहिए अपने नेक्स्ट गाने के लिए सबसे पहले हम दर्शकों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाते हैं क्योंकि जुगनी जी का जिक्र इन्होंने किया है तो अब इन्हें सुनाना भी सुनाना पड़ेगा या आपको बताना पड़ेगा तो जुगनी जी आप सुना दीजिए सिर्फ दो लाइन ए वे अल्लाह वाले आदि जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले आदि जुगनी जी ए बिना भी पीर दी जुगनी जी जुगनी तार खाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं निभना बंदिया हनाल रखी साबत सिद्ध दा अमाल वह पीर मेरे आ जुगनी जी जब आपने बेबी डॉल गाया है ना क्या आपको लगा था कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि 2014 का सबसे बड़ा हिट बन के सामने आएगा जब मैंने बेबी डॉल गाया था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये यू नो मुझे पता था कि ये गाना हिट है बिकॉज ऑफ द वे इट वाज पुट टुगेदर एंड जब हमने इसका मास्टर्ड वर्जन सुना तो आई हैड गूज बम्प्स यू नो आई फेल्ट लाइक कुछ तो है होगा इस गाने के साथ बट इतना रेज बन जाना पूरी दुनिया में मुझे आई मीन टेनरीफ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मतलब छोटी छोटी जगहों से मेरे पास आई मीन बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जगहों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं फैंस के आई मीन इतना रेज हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था अब मैं कनिका को रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि कनिका बेबी डॉल हो जाए और सिर्फ दो लाइनें गा के चुप नहीं करना है आपने क्योंकि सब देख रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ और मैं आने से पहले भी जब मैं इंटरव्यू आने वाला था ऑफिस जब मैं तैयार हो रहा था तो मैंने वही गाना लगा दिया मैंने कहा वो रिदम बरकरार रहना चाहिए तो आप मुझे थोड़ा म्यूज़िक और रिदम दे रहे हैं थोड़ी बीट दे रहे हैं मैं तो बस आपको देखूंगा क्योंकि कनिका सुंदर भी बहुत हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं तो मेरे लिए तो ये डबल बोनांजा हो गया मैं सुनूंगा भी और देखूंगा हो बेबी डॉल मैं सोने दी हो बेबी डॉल मैं सोने दी सोने सोने पटोले लखा सोने सोने पटोले ए तक दिया रेंदिया खा ए तक दिया रेंदिया
मैं की दसापड़ी वे ए चन करदा है तरीफा हो मेरे हुस्न दे कोने 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 दी हो कोने कोने दी हो बेबी डॉल मैं सोने दी हो बेबी डॉल मैं सोने दी क्या बात है बिल्कुल ये बेबी डॉल जो है इनकी आवाज़ तो सोने जैसी है ये खुद भी सोने जैसी हैं कोई इसमें डाउट नहीं है अच्छा ये बताइए कि अब बॉलीवुड में आगे क्या और बहुत सारी ऑफर्स आने शुरू हो गए एक्चुअली मैं बॉलीवुड में अब ऑलरेडी काफ़ी सॉन्ग्स कर चुकी हूँ रिकॉर्ड हो चुके हैं अब मूवीज़ में चले गए हैं नॉट जस्ट दैट बट मेरे अपने सिंगल्स भी आ रहे हैं स्टार्टिंग अभी नेक्स्ट 3 गाने मेरे बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर्स के गाने हैं एक सब डॉक्टर ज़ूस के साथ लग रहा है यार ये मैं तो किसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू ले रहा हूँ लुक्स आपके पूरे वही हैं तो क्या कनिका हमें कभी मूवीज़ में एक्टिंग करती नज़र आएंगी मुझे जो लग रहा है फिलहाल तो मैंने मूवीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है बिकॉज एज आई सेड आई एम अ ट्रू आर्टिस्ट एंड आई ग्रू अप वांटिंग टू बी अ सिंगर एंड अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सो मैं 100% उसको इस समय दे रही हूँ एंड अगर कोई बहुत अमेजिंग ऑफर आता है तो मैं सोचूंगी बट मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशर में नहीं डाल के काम करना चाहती ओके करने का लास्ट क्वेश्चन क्योंकि आप लंदन में पंजाबियों के साथ रहे हैं वहाँ आपने पंजाबी भी सीखी और अब आप पंजाब में हैं पंजाब और पंजाबी आपको कैसे लगे सॉरी पंजाब और पंजाबी लोग एक्चुअली ये मेरा पहली बार पंजाब आना नहीं है मैं पहले भी 2-3 बार आ चुकी हूँ अमृतसर 2-3 बार जा चुकी हूँ एंड आई लव द गोल्डन टेम्पल एंड फिर जाना चाहती हूँ वहाँ एक कामनेस है जो एक प्योरिटी है जो मुझे बहुत टच कर गई है एंड आई मीन पंजाबीज आर सबसे मस्त लोग हैं दुनिया में एंड दैट्स कनिका कर रही हैं ऑन एयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पंजाबी सबसे मस्त लोग हैं आप कंटिन्यू मैं ऑफ कोर्स बिकॉज लंदन में रहती हूँ तो मेरे पूरी दुनिया भर से हमारे एक हर देश के लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं हमारे सर्कल में बट जितनी मज़े पंजाबी लोग करते हैं वो दे नो हाउ टू लिव सो एंड खुले दिल के सबसे यू नो सो जितने मज़े पंजाबी लोग करते हैं इंटरव्यू देके मज़ा आया हाँ इंटरव्यू देके मज़ा आया ऑफ कोर्स इंटरव्यू देके बहुत मज़ा आया एंड थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग मी एंड सो कनिका ने जाते जाते पंजाब के पंजाबियों की बड़ी तारीफ की है उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो होर बहुत सारे ट्रैक्स लेके आ रहे हैं डॉक्टर ज्यूस के नाल और एक्टिंग बारे भी उन्होंने मना नहीं किया है डेफिनेटली उन्होंने पर्सनैलिटी एवं दी है मैं तो बहुत जल्द उन्होंने किसी मूवीज देखना चाहवागा और बिल्कुल वो सू नज़र भी आएंगे पर बेबी डॉल ने गल करके डेफिनेटली तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा बहुत सारी चीज़ें कनिका बारे तुम्हें जानी हैं जो तुम हूँ तक नहीं जानते भाई वाह